राम राम भैया। राम राम। मारु नाम नंदकिशोर चौहान छे, हूँ राजपुर आशा संस्था से आयल छे। हाँ, तुम्हारो काय नाम छे भैया? मारु नाम श्याणु छे, नरावला रहूँ छे, तहसील राजपुर छे, बड़वानी जिला। अच्छा भैया, मगर आप ये बताओगे कि तुम अभी यहाँ पर काय कर रहे है? हम अभी मिर्ची लगा रहा है, तब रोपा को जड़ को उपचार कर रहे हैं। टाइको डरमा से मिर्ची न को जड़ को उपचार कर रहे थे। अच्छा भैया, मैं आप ये बताओगे कि तुम ट्राइकोडर्मा से मिर्ची का रोपा की जड़ को उपचार क्यों कर रहा है? ये आने वाले समय में मिर्ची भर ये फपूर की बीमारी ने आवा को से हम जड़ को उपचार कर रहे हैं। अच्छा भैया, तुम मुझे ये बताओगे कि जो ट्राइकोडर्मा से जो मिर्ची का रोपा को जो जड़ को उपचार कर रहा है, हाँ, तो एक काम काय की सामग्री लगे मुझे बताओगे? हाँ बता सका। ये उपचार करना के लिए एक तो अपन का तगारी लगे ना के लिए अपन का पानी भी लगे। पानी में अपन का ट्राइकोडर्मा डालना पड़े, जरूरत अनुसार डालना पड़े अपन। अच्छा भैया, तुम मुझे ये बताओगे कि जो ट्राइकोडर्मा से मिर्ची का रोपा के जड़ को जो तुम उपचार कर रहे हो, एक में सावधानी का ही रखना पड़े, जरा मुझे बताओगे? हाँ देखो, अपन का उपचार करना के लिए सावधानी यह रखना पड़े कि बच्चा ने से बचन रखना पड़े। अच्छा समझदार आदमी ना उपचार करना चाहिए। एक अपन ना अच्छा पानी से धो लेणु न ट्राइकोडर्मा से तगारी में ले लेणु न अच्छा व्यक्ति ना समझदार ना पहले तो माटी में जड़ ना लपटाई ले रहे जनका धोई नाखनो अपन ने एक धोई नाखी ना वो का टाइको डरमा से जड़ ना का डूबे लेनु पे एक का अपन ना जड़े ना का डूबाणु छे जे पानी में सावधानी से। अच्छा भैया, तुम मुझे ये बताओगे कि जो ट्राइकोडर्मा से जो तुम मिर्ची के रोपा को उपचार कर रहा है, हाँ, तो कैसा का करोगे, जरा मुझे उपचार करीने बताओगे? हाँ हाँ, अभी उपचार कर रहा है तो तुम देख लीजियो रोपा को उखाड़ लियो। ये कहूँ जरा माटी के झटके लियो साफ कर लियो, बारी में अभी हम पानी नाक लियो। ये काम अभी हम पानी में ट्राइकोडर्मा डाली हुई है। यहाँ ये काम घोल कर लियो हाथ से। ये कि आप जड़ना कहा डाइको डरमा में या कहा आप धोए ना पानी में भिंज रहे डाइको डरमा में। आप बोल दो जाने का ये को 5-1 मिनट जड़ना का तगारी में भ्रण देनु थी अच्छे जड़ना पानी पी लेते। अभी यो उपचार हुई तो एक अभी हाँ लगा ही दूंगा। भैया, तुम मुझे ये बताओगे कि जो तुमने ट्राइकोडर्मा से जो मिर्ची के रोपा के जो जड़ को उपचार करो, एक से तुमको फायदों का ही छे? एक आम सूखने की बीमारी नहीं लगेगा, एक आम अच्छो गोड़ रहेगा तो दवाई कम लगेगा मिर्ची पर। एक आम पौधो अच्छो रहे तो अपन दवाई कम लगा तो इनकम भी अच्छी रहे, तो अच्छो पौधा रहेगा तो फल भी ज़्यादा लगेगा, फूल फूली भी अच्छी आवेगा, बाजार में अपन ले जाऊँगे तो इनकम भी ज़्यादा आवेगा। वो का से हूँ ट्राइकोडर्मा से भिंजे न उपचार करूँ। अच्छा भैया, तुम न जो मकर ट्राइकोडर्मा से मिर्ची के रोपा की जड़ के उपचार के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी थी, एक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पर तुम अन्य किसान भाई ने जो ट्राइकोडर्मा से मिर्ची का रोपा की जड़ के उपचार के बारे में का संदेश देना चाहोगे? सब भाई न का मारो ये संदेश छे, मिर्ची का रोपा को सब भाई न का किसान न का कहूँ कि ट्राइकोडर्मा से उपचार करी ना लगाना चाहिए, बाकी अपनी फसल अच्छी रहेगा, बीमारी नहीं आवेगा, फफूंद नाश से ऐसी सूखने की बीमारी नहीं आवेगा मिर्चीन पर।
मिर्ची पर बीमारी नहीं आवागा तो फसल भी अच्छी पाकेगा। सब किसान भाई को मारो यूज कहना पड़ा है, हमेशा मिर्ची का रोपा को टाइकोडर्मा से उपचार करीने लगाओ। किसान भाई ने कहा हमारो राम राम कहना पड़े। अच्छा भाई, आपने नहीं मगर जो ट्राइकोडर्मा से मिर्ची का रोपा की जड़ने का उपचार के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, एक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अच्छा भाई, अब हम चलो। हाँ। राम राम। राम राम।